शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम आराम से रहो यहाँ, पूरा कमरा हड़प के सो यहाँ पे, हम जा रहे। अरे खबरदार, जो हमें हमारी बीवी से दूर किया था, हम अपनी बीवी के लिए जान भी दे सकते हैं। अरे ये क्या है? रोते हुए भगवान के साथ यदि आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे तो उनके प्रकोप का कारण आप सब लोग होंगे। देखिए, हमारी नजर में बाबा की धमकी से बड़ा हमारी बीवी का विश्वास है, इसलिए आप सब लोग भी अपने मन से डर को प्रणाम करके निकालिए और जन्माष्टमी की उत्सव की तैयारी कीजिए। जन्माष्टमी के जश्न में कोई कमी ना रहे। क्यों बीवी? श्रवणी, इसे कहते हैं बैल के घर जाके उसे न्योता देना कि आ और हम पर वार कर। आज अगर श्रवणी को कुछ होता है तो शक सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रकोप पर जाएगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान कृष्ण जी के जन्म की रात श्रवणी की मौत की रात बना देंगे हम, पर कैसे कुछ तो सोचना होगा। बड़ी अड़ियल है, ना भगवान का डर है ना बड़ों का लिहाज, और ये शिबू मेहरारू के पीछे दुम हिला रहा है। चूल्हा झूठा क्यों किया? प्रसाद बनाना है ना। घनश्याम, चाय बन गई? जी ठकमा। सकल का देख लो, डालो फिर। अरे अरे अरे, एक बाल्टी और साफ कपड़ा लाकर दे दो हमें। वो आ जाएगा, आपने हमारी चाय काहे फेंक दी? बड़की ठकुराइन, दो दो बच्चे जवान हो चुके हैं, अकल नहीं आई अब तक। अरे इतना भी नहीं जानती, आज मुंह झूठा नहीं करना है। वैसे तो तुम सबकी मनमानी देखकर मन करता है हम जन्माष्टमी में भाग ही नहीं ली, लेकिन तुम सबका क्या है, ना हित की परवाह है ना अहित की। लेकिन हम तो डरते हैं ना भगवान के प्रकोप से और हमारे परिवार के अमंगल से, इसलिए कान खोल के सुन लो। बाबा की बात टाल के सोने की मूर्ति भले ही ना दो, मगर जन्माष्टमी होगी पूरी विधि विधान से, रसोई झूठी नहीं होगी। ये सब ठीक है, पर आपने हमारी चाय काहे फेंकी? जन्माष्टमी के लिए इतना लाली लिपस्टिक लगाई हो तो जाहिर है इस घर में सुहागन तो तुम ही हो, है कि नहीं? दुल्हन को अभी हम गिन नहीं रहे, वो नई नवेली आई इस घर में, हमें अभी बड़े बुजुर्ग सुहागन की जरूरत है। क्या बोला आपने? कानपुर में हड़ताल है क्या? बड़े बुजुर्ग, हम आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। टिप टॉप रहने से उम्र थोड़ी चिप जाएगी। दो, इनके हाथ में दो। इसका हम क्या करेंगे? चूल्हा साफ करेंगे। हम साफ करेंगे? हाँ, हम चंद्रा हैं। तो हमने कब कहा तुम सूरज हो? आग हम सूरज वाली रखते हैं। तो हम भी बुझा देंगे उसे। अब इस काम के लिए क्या किराए पे मेहरारू आएगी? सुहागनी बनाती है ये प्रसाद। चलो लग जाओ काम पर। अरे तू क्या मुंह देख रहा है, रख दो। शवनी को निपटाने का प्लान सोच रहे थे और इस बुढ़िया ने हमें फंसा दिया। मन कर रहा है कि अभी इस बुढ़िया का गला दबा दे। शिवांश को भी तो हम ही लेकर आए थे इस घर में। श्रवणी की जिंदगी बर्बाद करते करते कहीं हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए इस बुढ़िया के चक्कर में। हे भगवान।
भगवान, सब सिखाना पड़ेगा। अरे चलो, हाँ चलो साफ करो। अरे इतना काहे चमचमा रही हो, हाँ बहुत गुस्सा चढ़ता है तुम्हें। हम तमतमा नहीं रहे, हम गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप काहे गुस्सा हो रही हैं। प्रशांत हो जाइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। काहे किचन में आ गई हैं? थोड़ा उम्र का लिहाज करिए। क्या हुआ है हमारी उम्र को? तुमसे तो 8-10 साल बड़े ही होंगे। ना विश्वास हो तो परख लो, तुमसे ज्यादा ताकत है हमें। हाँ, ये साफ होना चाहिए हम आने तक। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। मोतिया बिंदु है आँख में, धनिया है मुझो और पीसो। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में प्रसाद नहीं बांटा जाता? प्रसाद है ये। इतना ही नहीं है, ये भी है। हाँ तो मिक्सर है, पिस पिस जाएगा। मिक्सर? सिलवट्टा पे पीसेंगे, मिक्सर में सौंधापन नहीं आता। लो चलो। हाँ जलाओ गैस। जलानी आती है, तुम्हारा लक्षण से रखता नहीं है। क्या सूरत बनाई है, हैं? जब मुस्कुराएगी तो अच्छी लगेगी। इतनी बदसूरत नहीं है तू। हाँ, ये पूरा करते रहो, हम आते हैं तब तक। बदसूरत बोले आपको? ये पीसने वाला काम तो तुम बहुत सही कर रही हो, धनिया हो या दांत। अरे जरा देखो, हिलाया डुलाया करो, बड़की ठकुरायन, बड़े जल्दी थक जाती हो तुम। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब एक बार में चक्की घुमा के 20 किलो गेहूं पीसते थे। आप महान हैं, हम काहे हैं? हम नहीं। पूरी जिंदगी जितना काम नहीं किया है ना हमने, उतना इस बुढ़िया ने हमसे आज करा दिया। हाथ दर्द से टूट रहा है और श्रवणी को निपटाने का कोई तरीका भी नहीं सूझा अब तक। तेरा सा काम क्या दिया, इतना तमतमा रही हो? कहीं गुस्से में जहर ना मिला दे। पता चला हम ही निपट लिए। जहर टेढ़ी है, पर हमने बहुत बेलगाम घोड़ियों को लगाम लगाई है। श्रवणी के पूरे परिवार को काबू में करेंगे हम। बड़ा मुस्कुरा रही हो, लगता है हम तुम्हें पसंद आ गए। आगे भी पसंद करोगी, वादा है हमारा।
ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना, हम किसी को पसंद करेंगे नाम में भले ही चांद आदम सूरज वाली रखते हैं। क्या करें? अरे स्वीटी जल्दी आओ, हमारी डोरी बांधो बस। अरे जल्दी करो ना, हमें देर हो जाएगी। अरे जल्दी करो ना। कस के बांधो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कब से हम तुमसे बात किए जा रहे हैं और तुम हो कि कुछ कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बेशर्मी की भी हद होती है। अजी आपके साथ है ना हद में ही रहते हम, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं। वो तो हमें लगा कि आपको पूजा के लिए देर ना हो जाए तो आपकी मदद कर दें। ओह हेलो, दिख रहा है कितने शर्मीले किस्म के इंसान। मौका मिला नहीं कि लिबर लिबर करके आ गए। अजी हाँ, पर हमारे चरित्र पर ना ऐसे कलंक मत लगाइए। आंखें बंद थी हमारी, कुछ देखे नहीं है। कायदे से हम पति हैं आपके, लेकिन मजाल है कभी कानिया को आपको उठा के देखे हो। मन तो करता है ना कि तुम्हारी आंख फोड़ के कान्हा ही बना दे तुम्हें। आइंदा से अगर मर भी रहे हो तो चार कदम दूर रहना हमसे, समझे तुम? फोड़ दीजिए ना, इसी बहाने टच तो करेंगे हमें। पत्तों मत मानना मत, ये दुपट्टा फंस गया। बीवी है या आपका गोला, हमेशा भड़कती रहती है। और एक और बात, आइंदा हमसे ना मरने की बात मत करना। आपसे लड़ते नहीं है लेकिन आपके लिए मौत से भी लड़ जाएंगे। हमारी एक लौती बीवी को कुछ होने नहीं देंगे। वैसे अच्छी लग रही हैं आप। तुमने बुलाया था? वो हमें तुमसे। स्वीटी कहाँ जा रही हो? इसे क्या हो गया? कहाँ गई? अपने कमरे में भी नहीं है, किधर होगी? ये रही स्वीटी। स्वीटी, आप स्वीटी?
क्या हुआ? कुछ नहीं स्वीटी, हमें नहीं बताओगी? तुमको अंदाजा भी है हमें कैसा लगता है जब तुमको हम शिवांश के साथ देखते हैं? हमने प्यार किया था उससे, हमने अपना सब कुछ दे दिया उसे, कितने सपने देखे थे, और अब वो शिवांश तुम्हारे आगे पीछे टोलता रहता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। स्वीटी समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारे साथ साथ उसने तुम्हें भी कितना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए तुमसे कह रहे थे कि ताऊ जी को सब बता दो, लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी समझते हैं। फिलहाल हमारी तरह तुम भी थोड़े दिन उसे बर्दाश्त कर लो, क्योंकि बहुत जल्द उसका फांडा किसी ना किसी तरह जरूर फोड़ेंगे हम। ये बताओ तुमने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं, काश उसने हमको अपना लिया होता, काश उस रात हमारी शादी हो जाती। लेकिन स्वीटी वो अच्छा लड़का नहीं है, लोग बदल भी तो जाते हैं ना, जैसे पापा ने मम्मी को एक मौका दिया है, वैसे हमें भी इसके लिए एक मौका उसे देना चाहिए, हो सकता है वो हमें अपना ले। स्वीटी, क्या तुम सच में ये चाहती हो? ठीक है, तो जन्माष्टमी के बाद उसे तुम्हारे करीब करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। सच सच में तुम कितनी अच्छी हो, क्या बात है, अब तो ये खुद शिवांश को हमारी झोली में डालने को तैयार है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अब ये जो बैंगन जैसा मुंह लटका के बैठे हो उसे ठीक करो। हाँ जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो रहा है। कम तुमको याद तो है कि तुम सफेदों के खानदान से हो। ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना, चंद्रा अपने खानदान को अपने खून को भूल सकती है। लेकिन जहर का नशा कभी नहीं, हम जहर को सूंघ के बता सकते हैं कि कितना असर करेगा। जो बोले थे वो निकाल के रखे हो ना? ये आसाम के जंगल में पाए जाने वाले सांप का जहर है, इसका सिर्फ एक बूंद काफी होता है किसी को तुरंत मौत की घाट उतारने के लिए। ये अफ्रीकी सांप का जहर बड़ा महंगा है, लेकिन उतना ही कारगर, ऐसे सन्न से दिमाग तक पहुंचता है कि घड़ी देखोगी उससे पहले ही आदमी ढेर। ना 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 ना, हमको कुछ ऐसा चाहिए जिससे मौत तुरंत ना हो और मौत का कारण भी ना पता चले। समझ गया, तो फिर तुम ये लो, ये अरब के रेगिस्तान में पाए जाने वाले सांप का जहर है। इसका भी सिर्फ एक बूंद काफी होता है
क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप का खतरनाक जहर है। इसका असर आधे घंटे के बाद शुरू होता है, लेकिन इसके असर के बाद शरीर पूरी तरह से बेकार हो जाता है। समझ लो ऐसा लकवा मार जाता है कि धड़कन तक नहीं मिलती। बड़े से बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम तक नहीं भाप पाएंगे कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि इसके असर के बाद शरीर ना तो नीला पड़ता है ना काला, जहर का नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। वाह बग्गा, कमाल करती है। हम पहले कहीं नहीं आए तुम्हारे पास। आप श्रवणी हैं, इसी अमृत से तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्रवणी ला, हम पहनाते हैं। बीबी, बीबी। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।